हेलो गाइस, कैसे हैं? आपका फिर से स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। काफ़ी दिनों बाद मैं आया हूँ व्लॉग को स्टार्ट करने के लिए। अभी बज रहे हैं करीब करीब दिन के 12, और आज हमारा प्लान बना है मूवी देख के आने का। द केरला स्टोरी मूवी देख के आएंगे। बहुत अच्छी बता रहे हैं हमारे तो राहुल धनखड़ साहब ने, उसका रिएक्शन भी किया हुआ है ट्रेलर का, उसके चैनल पर आप देख सकते हैं। तो अभी हम जाएंगे, मैं, राहुल, मुकेश। मुकेश का फर्स्ट टाइम, कहता मैंने कभी थिएटर देखा नहीं, तो वो भी हमारे साथ जाएगा। आज पहली बार वो भी मूवी देखेगा थिएटर पे। और देवेंद्र, हम चारों जाएंगे अभी। यहीं द्वारका में अपनी टिकट बुक कर लिया और अब निकलते हैं शाम। तो अपना 1 बजे का शो है, तो 1 घंटा है अभी हमारे पास, निकलेंगे वहाँ पे। थोड़ा टाइम लगेगा जाने में, तो पहले पहुँच जाएंगे, फिर आपको देते रिव्यू मूवी का कैसा रहा, क्योंकि अब तक सुनी सुनी है, देखी नहीं है मूवी, देख के फिर आपको बताएंगे। हमारे जनाब लेटे हुए हैं वेट में, कह रहे भाई चलो चलो, सुबह पहले तैयार हो लिया सब जाए। अरे वाह, हमने कहा चलो जल्दी निकलो, क्यों लेट कर रहे थे? अरे उसे तो लेट हो गया मैं भाई। तो अब मैं भी तैयार हो लिया हूँ, मुकेश जा रहा है जूते पहनने के लिए ऊपर अपने रूम में। और अब ये देखो हमारे जनाब, ये अभी चप्पलों में ही घूम रहे, तो ये भी जूते पहनेगा, फिर निकलेंगे। तो हमारी मैडम अभी गुस्से गुस्से में कसन दो रही है, सो वहाँ जाएगी भाई। अड़े केरला स्टोरी बन जाएगी हमारी, अड़े फिर धनखड़ साउथ स्टोरी हो जाएगी, है ना भाई? देवेंद्र भी चुप बैठा है, खतरे का खिलाड़ी नहीं रहा अभी है। ये भाई मुकेश भी रेडी हो गया है, देखो पूरा सेटअप, क्या लंडा जूते जाते पहना है। अरे ये फर्स्ट टाइम है इसका थिएटर में मूवी का, तो एक्साइटमेंट लेवल इसका सबसे अप है। क्योंकि सिटी बजा रही है, ताली मारनी के पैदल क्या जाए, चिल्लाना भी है और ढंग की जगह पे बिना बात में। वह कभी कुछ सीन वैसा चल रहा हो, सैड मेमोरी वाला डायलॉग चिल्लाना है। केरला स्टोरी लड़के के ऊपर पीट भी देगी पब्लिक। थोड़ी इमोशनल मूवी है, तो थोड़ा ध्यान से सिटी बजाना। तेरी सिटी पिटी को लड़की दे, थोड़े जिम बजा दियो। चलो भाई चलो, ठीक है सर, अपने तो निकलते हैं। चश्मा ले लो, मैंने ये चश्मा लगा लिया, दूसरा गाड़ी में रखा वो देवेंद्र साहब का, उस पे भी नहीं, इसलिए मैंने ये लगा लिया भाई। मैं पहले तो दूसरा देवेंद्र साहब लगा लेंगे। तो गाइस, मैं और मुकेश पीछे बैठे और हम पहुंच गए वेगस मॉल, और मुसा जी आगे बैठे, और ये हम मॉल पहुंच ही गए, अभी बस पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। ये रहा एंट्रेंस, अंदर चले जाएंगे, को अंदर चल के दिखाते क्या सीन रहा है। मुकेश आज मुकेश पहली बार पिक्चर देखेगा है, फर्स्ट टाइम तो क्या मजा आ रहा है? हाँ मजा तो आ रहा है, मजा आ रहा है, और देखने के बाद और भी है बिटी, और थोड़ा थोड़ा मजे ले लिए, बस ठीक है जा रहा हूँ। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं, पार्क कर दिए गाड़ी, और चारों देव कैसे चल रहे। अरे तू ये देखा था पार्किंग करी किस नंबर पे है? अभी एंट्री ले लिए भाई, राहुल हो गया चेक, वो मुकेश रोक लिया गे के बात के असला बार उदा बता। अच्छा तो भाई एंट्री करेंगे, डोन साहब ने देखो हमारे ने चश्मे लगा दिख है, दिखने लग रहा ना, दिखने लग रहा ना है। देखो इंटीरियर, देखो पीवीआर का टाइम हो रहा है, 1 बज गया बिल्कुल, और अभी तक एंट्री नहीं दे रही है बिल्कुल। पूरा 1 बजे देंगे, शायद 2 मिनट रह गए अभी, पूरा 1 बजे एंट्री करेंगे, जो शो टाइम है उसी टाइम पर। एक्साइटमेंट बढ़ती है इस बंदे की, ज़्यादा बढ़ इस बंदे की ज़्यादा बढ़ रही है, फर्स्ट टाइम है ना। खुशी देखो इसके चेहरे पर, मूवी की खुशी नहीं है इसकी, मूवी कैसी भी हो कोई मतलब नहीं है इसको, बस थिएटर आने की खुशी है। हाय हाय, फर्स्ट टाइम थिएटर आना, देखो कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहता है फर्स्ट टाइम का इसकी। इसको खुश देख के हमें खुशी हो रही है, देख कितना खुश हो रहा है ये। सही बात है, तो ये फर्स्ट टाइम किसकी खुशी था, हमें हमारी दुगनी खुशी कर रही है। अच्छा, गांव साइड में तो उस पर भी शहर पे चलाते हैं उसका ना। सही है, बढ़िया भाई आपने दिखा दी। हर मिशन के पीछे एक मोटिव होता है। एक सीधी सादी नर्सिंग स्टूडेंट को कैसे सुसाइड बॉम्बर बनाते हैं, ये जानना जरूरी है।
कुछ क्यों नहीं करता? I don't know. पूरे केरला को टाइम बॉम्ब के ऊपर बिठा के रखा है सर. खत्म हो जाएगी गॉड्स ओन कंट्री. बचा लीजिए सर प्लीज. स्लिम लड़की से शादी करने में मेरी फैमिली कोई प्रॉब्लम नहीं है. शालिनी को इस्लाम कबूल करना होगा. मैं हिजाब पहनने के लिए तैयार हो गई, बट सडनली ऐसा मुस्लिम बन जाना. क्यों? क्यों? तुम मेरे लिए, हमारे लिए, हमारी शादी के लिए, बच्चे के लिए तुम इतना नहीं कर सकती शालिनी. मूवी खत्म हो गई भाई. देखो लास्ट हमारा तो अभी लास्ट हो बच्चे लगी. चलो ये रिव्यू हम बाहर लेंगे. ये तो अभी जस्ट दिखा रहा हूँ कि चार हो ये लास्ट तक उठ के कोई नहीं भागा बीच में. बहुत अच्छी स्टोरी थी. मूवी कैसी लगी भाई? सभी बहनों को देखनी चाहिए और माताओं को भी. क्या हो रहा है देश में, किस तरह से बचाना है और कैसे उनके खिलाफ लड़ना है, सबको दिखाओ. मैं तो कह रहा हूँ सबके लिए फ्री करनी और मैंडेटरी करनी, स्कूल में दिखानी चाहिए. बहुत बढ़िया पिक्चर. तो आप दोनों ने मूवी देखी तो कैसी लगी मूवी? मूवी तो बहुत अच्छी लगी. आपका तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था मुकेश, तो हाँ तो बहुत अच्छी लगी. तो मुकेश आप क्या कह रहे हैं इस बात में? सेम है, ध्यान देना चाहिए. बहुत ज्यादा गलत हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए. तो हमें अपनी बेटी को, बहनों को दिखानी चाहिए मूवी, है ना? दिखानी चाहिए और उनको समझाना चाहिए. बिल्कुल सही बात. बताना चाहिए. तो मेरा भी यही एक्सपीरियंस रहा एक पिता होने के नाते. मैं भी चाहूँगा अपनी बेटी के साथ मैं दोबारा आऊँगा मूवी देखने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छी बातें दिखाई गई है इसमें. आजकल टीनेजर के साथ बहुत कुछ हो रहा है कि एक दूसरी दुनिया दिखाई जाती है उनको, एक मायावी दुनिया, लेकिन वो होती बिल्कुल ही विपरीत है. उनका माइंड ऐसे वॉश कर दिया जाता है कि बस सब कुछ यही है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है. मैंने कहा था सब ऐसे होते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसे हैं जो इस मिशन में जुड़े होते हैं, जिनका लक्ष्य ही होता है कि बस लड़कियों को बर्बाद करना. तो आप पहचान नहीं सकते कौन कैसा है कौन नहीं, लेकिन मोस्टली ऐसा है. तो मैं भी यही रिक्वेस्ट भी करूंगा और ये कहूंगा बहनों को कि सोच समझ के अपने जीवन के फैसले लें, और कभी जब बाहर जाएँ तो अपनी आज़ादी का नजायज़ फ़ायदा ना उठाए. हमेशा माइंड में सोचे, दिमाग से भी चले, सिर्फ दिल की ना सुने. तो हम अभी हैं वेगास मॉल की ही बिल्डिंग में, दूसरी में, और इधर से बड़ा अच्छा व्यू आ रहा था. ये देखो इधर से मेट्रो का और ये अपना रोड, और ये बच्चा पार्टी मुझे कहीं लेके जा रही. कहाँ लेके जा रहा भाई? लैपटॉप देखने. इसको अलग ही हो रहा, कह रहा लैपटॉप देखो मेरे लिए. अब बताओ भाई ये खर्चे पे खर्चा. चलो चलो जनाब, चलो चलो, कहाँ लेके जाओगे? बिल्डिंग से बिल्डिंग पे घुमा रहे हैं. राहुल देख रहा है लैपटॉप आसूस के, यहाँ पे हम आ गए हैं. और मुकेश देख रहा है राहुल को. हरदेवेंद्र ने भूख लग गई है, कह रहा जल्दी घर चलो, चाय भी पीनी है, रोटी भी खानी है. घर वाले ने घर वाले ने चाय नहीं पी होगी, कह रहा घर वाले चाय नहीं पियेंगे मेरे बिना. मैं क्या बात कर, बनाऊंगा तो मैं ही गजा के. भाई याद आ रही है इसको घर वालों की. ये आप बीती सुना रहा, जग बीती नहीं सुना रहा, आप बीती सुना रहा बेचारा. सुनो भाई इसकी, देखो कैसे कैसे बेचारा. ये रोना वाला आई थोड़ी देर में, भूखा मरू कर. आप लोग सोच सकते इसके चश्मे उतर लिए, भूखा हो लिया जाए. नटोरा टारा से बट गया इसका, टसन मचा रहा था नहीं तो. अभी बज रहे शाम के 5 और हम घर आ गए हैं. तो घर आकर थोड़ी इन्होंने पार्टी रख ली है. ये देखो इन लोगों ने पार्टी रख ली है, समोसे मंगा लिए यहाँ पे. और यहाँ देखो बैठे यार, बुआ जी आई हुई हैं गाँव से, तो बुआ जी बैठी हैं. और ये सब समोसा पार्टी कर रहे हैं भाई खाने के बाद. अरे ये सर्विस चल रही है यहाँ से, मेरी माँ ने चाय बना दी है. सब सब चाय हाँ दे रहे हैं. ये लो सब के लिए चाय. अच्छा मेरी चाय बहुत अच्छे. हाँ हाँ ये बुआ जी कुछ बुआ जी कम से कम 1.5 साल हो गया ना बुआ, या पिछले रक्षाबंधन पे आए थे 2 साल में आई हैं बुआ अभी.
हाँ इस रक्षाबंधन पे भी नहीं आ पाई थी, तो आ जाइए, हमारे सौभाग्य हो गए भाई क्या आज आ गई हैं। अरे देखो बैठ, तो भाई का भी तो भाई का भी धन्यवाद लिया है बुआ ने, तो अभी मैं भी समोसे खा लेता हूँ भाई, चाय पी लेता हूँ। तो बुआ जी जा रही हैं भाई, अभी वापिस जाना है इनको, थोड़ा एक डेढ़ घंटे का सफर है। ठीक है बुआ जी, ध्यान तो दिए। हाँ भाई चल खाती बात जा बुआ। अरे मनोज भाई लेके आए हैं, थैंक यू भाई तू लेके आया। तो अब विदाई विदाई रस्म हो रही है बुआ की, बुआ जा रही हैं कई। ये देखो बुटका आया, अंदर सो रहा था, कहाँ था तू, अंदर था ना, अब बाजगा आया है, क्या कर रहा था अंदर पता नहीं, क्या कर रहा था, है सो रहा था, अब सो का उठका आया, बताओ आयु तक सास रह जाए तो नजगढ़ में रहा करती। तो बुआ जी जा रही हैं, मनोज भाई जा रहे हैं। सास रजा है तैसी लाओ ऐसे देश, मोड़ लेने दो मोड़ लेने दो। चलो ठीक है भाई मनोज, ओके ठीक है बुआ, विदा करके खड़े हैं भाई। पानी की तो हम यार सब बिना करते ही तो डेली डेली वेजेस है ना, पहले तो कदे कदे रुक जाएगा तो टायर भी चला, सोनी ने बहुत टायर चढ़ाए हैं अगले महीने, घर में आज छुट्टी होगी, आज रुक के जा, जब टायर चढ़ाएगा ना मैं भाई चोरी, ठीक से देखो सारे दिन ए रख है गाल में रखो 24 घंटे की जाएगी देखो फिर आंगली कड़ी होगी, चाबी होगी चाबी होगी, ए पापा ने बता दे So guys, ये था आज का व्लॉग, आपने देखा कि हम मूवी देखा, बहुत अच्छी मूवी है भाई, मैं भी रेकमेंड करूंगा कि अपने बहन बेटियों को दिखाएं, मतलब एक सीख है बहुत अच्छी टीनेजर्स के लिए कि कैसे बहक जाते हैं, कैसे माइंड वॉश किया जाता है, तो देखनी बहुत अच्छा रहेगा, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि देखें। और भाई बुआ जी आई थी आपने जैसा देखा, 2 साल के बाद बड़ी दूर से आई थी, वो भी खुश होकर गई, अच्छा लगा उनसे मिलके। तो गाइस अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय।